तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट हिंदी, जो 100 मार्क्स का आपका हिंदी है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 यानी कि पाठ 7, जिसका नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा का अर्थ होता है जल से परिपूर्ण, जल से परिपूर्ण। और इसके लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। लेखक का नाम क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। ये इसका पार्ट 1 है। तो इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले हर चैप्टर की तरह लेखक का परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेखक का परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ है 16 जुलाई 1917 को, यानी करीब करीब आज से 103 साल पहले। और इनका निधन हुआ है यानी कि मृत्यु हुआ है 14 मई 1978 को, ये विशेष करके याद रखेंगे। जन्म स्थान है इनका शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। शाहजहांपुर किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। शिक्षा यानी इन पढ़ाई लिखाई जो किए हैं, ये एमए किए हैं अंग्रेजी से। किस इनका सब्जेक्ट ऑनर्स क्या है? अंग्रेजी है। जैसे कि इंटर आप लोग कर रहे हैं ना, तो इंटर के बाद जब ग्रेजुएशन में जाइएगा बीए में, तो आपका एक सब्जेक्ट पूछा जाएगा ऑनर्स, जिसमें आप बहुत ज़्यादा तेज हैं, जिस विषय में आपका जो विषय सबसे तगड़ा हो उसी को लिया जाता है ऑनर्स में। तो इन्होंने एमए किया था किस विषय से? अंग्रेजी से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय से? 1941 में आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए, और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव हुए। उस समय 1941 में आईसीएस का परीक्षा दिए थे, जिसमें ये पास कर गए। जैसे आज के टाइम में आईएएस कहा जाता है ना, जो डीएम बनते हैं, तो उस समय आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस। तो क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में आईसीएस कहा जाता है, और भारत के प्रथम आईसीएस बने थे ब्योमेश चंद्र बनर्जी। ब्योमेश चंद्र बनर्जी, उसके बाद से बहुत लोग बने, तो उसमें ये भी एक थे, उस समय के आईएएस ऑफिसर थे ये। और बाद में इनका प्रमोशन करके बिहार का ये शिक्षा सचिव बन गए। क्या बन गए? शिक्षा सचिव बन गए। कार्य, अब उन्होंने कार्य क्या किया है? तो सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। मतलब वैशाली महोत्सव का अगर शुरुआत पूछा जाए किसने किया, तो आप क्या कहेंगे? जगदीश चंद्र माथुर ने। और ये कब किए थे शुरुआत इसकी? 1944 में। ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे। ऑल इंडिया रेडियो एक आता है, मतलब तो रेडियो बहुत लोग कम सुनते हैं, लेकिन पहले एक आता था चैनल ऑल इंडिया रेडियो, जिसपे भारत का सारा समाचार आता था, तो उसके ये डायरेक्टर भी रहे हैं। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किया। हवाई विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े थे। अब इनको कौन कौन सा सम्मान मिला है, पुरस्कार मिला है? तो विद्यावारिधि की उपाधि से विभूति, कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित। तो इन्हें तीन प्रकार के पुरस्कार मिले हैं, याद रखेंगे इसको। पहला है विद्यावारिधि की उपाधि, दूसरा है कालिदास अवार्ड, और तीसरा है बिहार राजभाषा पुरस्कार। ये तीन पुरस्कार उन्हें मिला है। आगे है इनकी कृतियां, मतलब इन्होंने क्या क्या लिखा है। कृतियां अगर समझ गए ना, मतलब कौन कविता, कौन कहानी, कौन नाटक, निबंध, क्या क्या लिखे हैं, उन सब का नाम जो विशेष है ऑब्जेक्टिव के लिए। 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी। एकांकी का नाम क्या है? पूछ देता है कि मेरी मेरी बांसुरी क्या है, निबंध है, कहानी है, एकांकी है, तो याद करना है कि एकांकी है। का मंचन व सरस्वती में प्रकाशन, 5 एकांकी नाटकों का संग्रह भोर का तारा। भोर का भी तारा किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर ने। 1946 में ये प्रकाशित हुआ है। इसके बाद ओ मेरे सपने 1950 में, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी कोणार्क 1951 में, बंदी 1954 में, शारदीया 1959 में, पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974, कुबेर
कुंवर सिंह की टेक 1954 और गगन सवारी 1958 के अलावा दो कठपुतली नाटक भी लिखे। कठपुतली आप लोग समझते हैं? अरे देखे होंगे कठपुतली, जो फिल्मों में दिखाता है सब डांस उस करा के उन लोगों का। 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना में रेखा चित्र स्मरण है, परंपराशील नाट्य 1960 उनकी समीक्षा दृष्टि का परिचायक है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम जनसंचार पर विशिष्ट पुस्तक और बोलते क्षण निबंध संग्रह है। तो ये सब याद करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना? आगे है, जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक। प्रतिभाशाली लेखक मतलब क्या होता है? एक तेज तरार लेखक थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, नाटककार है, मतलब नाटक भी करवाते थे, ये नाटक भी लिखते थे, संस्कृति कर्मी, भारत की संस्कृति पर भी ध्यान देते थे, एवं प्रशासक थे और एक अफसर भी थे जिन्होंने प्रशासन किया, कई जिला में भी कई पदों पर रहे हैं। उनका कार्य क्षेत्र बिहार था। उनको कौन सा कैडर मिला था? बिहार। कैडर समझते हैं आप लोग? जैसे कोई आईएएस बनता है ना, जितना लोग, तो उन लोगों का कैडर होता है, मतलब राज्य। तो उन लोगों को सरकार जो राज्य एक बार दे देगी ना, तो उनको पूरा जीवन उसी राज्य में काम करना पड़ता है, मतलब ज़्यादातर। कभी कभी हो जाता है बदली, लेकिन ज़्यादातर जो राज्य मिल जाता है उसी राज्य में काम करना पड़ता है। ये है उत्तर प्रदेश के, लेकिन राज्य कौन मिला है, मतलब अपना राज्य बहुत कम ही मिल पाता है किसी को। और वे साहित्य संस्कृति के संसार में बिहार की विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे। अब मान लीजिए पूरा जीवन बिहार में अफसर बन के रहे हैं, तो बिहार के बारे में ज़्यादा जानते होंगे। इतिहास, संस्कृति, परंपरा और लोकवार्ता की भूमिका उनके दृष्टिकोण के निर्माण में आधारभूत थी। नाटक उसके बहुविध शास्त्रीय एवं लोक रूप हमेशा उनके आकर्षण के केंद्र में रहे। उनके नाट्य लेखन में रंगमंच की कल्पनाशील सक्रिय चेतना समाहित थी। इसका प्रमाण उनकी छोटी बड़ी तमाम नाट्य कृतियाँ हैं जो मंचन और अभिनेता की दृष्टि से सफल मानी जाती है। श्री माथुर के लेखन में रचना भूमि अपेक्षित से सीमित और छोटा है। उसमें प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और अनुभव की शायद न्यूनता भी है, जिसे वे अध्ययन, कल्पना आदि के द्वारा पूजा करते हैं। किंतु उनके साहित्य में संकीर्णता कहीं नहीं आने पाई। मतलब कि जो भी इन्होंने लिखा, कोई भी ऐसा साहित्य, कोई ऐसा कविता, कोई कहानी नहीं है जिसमें संकीर्णता आई हो। संकीर्णता मतलब होता है जो बेकार हुआ हो, जिसको लोग पसंद न किए हो। वो जो भी लिखते थे, वो सब का सब, कविता हो, कहानी हो, निबंध हो, नाटक हो, सभी को लोग क्या करते थे? पसंद करते थे। इसके बदले विस्मयजनक रूप में एक संवेदनशील उदार दृष्टिकोण उनके लेखन में प्रकट होता है और परिष्कृत रुचि के इस लेखक के साहित्य को ऊंचाई प्रदान करता है। श्री माथुर ने लिखना प्रायः चौथे दशक में ही शुरू कर दिया था। चौथा दशक समझते हैं आप लोग? जैसे 1940 से लेकर 1950 के बीच के समय को क्या कहा जाता है? चौथा दशक। पांचवा दशक कहे तो समझिए 1950 से 1960, मतलब 10 वर्ष को दशक कहा जाता है। किंतु उन्होंने एक मनस्वी लेखक के रूप में अपनी पहचान नेहरू युग में बनाई। लेकिन एक लेखक के रूप में उनकी पहचान जब बनी तो कौन सा युग था? नेहरू युग, समझ रहे हैं? मतलब देश आज़ाद हो चुका था, और देश आज़ादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसीलिए उसको नेहरू युग कहा जा रहा है। उनके लेखन के बहुलांश पर नेहरू युग की कल्पनाशीलता, नवनिर्माण चेतना तथा आधुनिक वैज्ञानिक परिदृष्टि की छाप है। तद अनुरूप वे जीवन और रचना दोनों में एक सुव्यवस्था, सुरुचि और कलात्मकता को आवश्यक मानते थे। सौंदर्य प्रियता और लालित्य उनकी अभिरुचि के अंग थे। इन बातों को उनकी नाट्य रचनाएं विश्लेषणों में सिद्ध करती है और दिखलाई पड़ती है, तथा उनके संस्मरण विशेष रूप में प्रमाणित करते हैं। ये संस्मरण किन व्यक्तियों के हैं, उनके किन गुणों, प्रसंगों और व्यक्ति चरित्र के पक्षों को लेखक स्मरण करता है। स्मरण करने की शैली और स्मृतियों के संप्रेषण की भाषा क्या है, यह सब देखना बहुत ही दिलचस्प है। इसलिए भी कि इससे लेखक के अपने बारे में बहुत कुछ अंतरंगता पूर्वक व्यक्त होता है। जगदीश चंद्र माथुर ने कुछ ललित, व्यक्ति व्यंजक या रम्य निबंध भी लिखे हैं। रम्य निबंध मतलब होता है ना, जो मतलब कि आपको मनमोहित कर ले, मतलब कि आपके मन को मोह ले, उसको रम्य कहा जाता है। जैसे हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं रम जाना,
गजब गाना आदमी रम गई है। रम जाना मतलब उसमें खो जाना, और उसी को हिंदी में बोलते हैं रम्य। ये निबंध व्यक्ति भाव और वस्तु प्रधान है। इसमें से एक निबंध उनकी पुस्तक बोलते क्षण से यहाँ से प्रस्तुत है, यानी कि जो पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं ओ सदा नीरा, वो किस पुस्तक से ली गई है? तो पुस्तक का नाम है बोलते क्षण, उसका एक पाठ है। उसमें उनकी तीनों कोटियों के निबंधों का संचार हो जाता है। यह निबंध सदा निरा गंडक को निमित्त बनाकर लिखा है। गंडक समझते हैं ना, बस सामने जो बह रही है नदी, यहाँ सामने जो बांध दिख रहा है उसके बगल में जो नदी बह रही है, कौन सी नदी है वो? इसी नदी की चर्चा होगी। समझ लीजिए कि जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं उसी की चर्चा करना है। और इसमें पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, सीधा भाषा में कहिए चंपारण, चंपारण का पूरा पूरा बारे में पढ़ना है हम लोगों को। पर उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंतरंग झांकी पेश करता हुआ, जैसे स्वयं गंडक की तरह ही प्रवाहित होता दिखलाई पड़ता है। तो हम लोग इसी नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं और यहाँ के बारे में। तो ये हमारा हो गया इनका परिचय। यहाँ पे अमृत लाल वेगड़ जी कुछ कहते हैं इनके बारे में। अजीब है यह पानी, इसका अपना कोई रंग नहीं, पर इंद्रधनुष के समस्त रंगों को धारण कर सकता है। पानी का गुण क्या है जी? इसका कोई रंग होता है, लेकिन उसमें इतना गुण होता है कि इंद्रधनुष के सातों रंगों को अपने में क्या कर सकता है? समाहित कर सकता है। इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, वो जो घास का बना करके गोल और साबुन घोल के जो फूका जाता है, गोल गोल निकलता है, तो उसमें आप देखिएगा उस सात रंग उसमें बनता है। तो वो पानी से ही ना बनता है? तो पानी में ऐसा गुण है कि रंग उसका अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस रंग में ढालेंगे वो उस रंग में क्या हो जाएगा? ढल जाएगा। मनुष्य को भी वैसा ही होना चाहिए, अपना कोई रंग नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति में क्या होना चाहिए? ढल जाना चाहिए। क्योंकि समय कब कैसा रहेगा ये कोई जानता नहीं है। अगर हम जिद पकड़कर एक ही समय को बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका अपना कोई आकार नहीं, पर असंख्य आकार ग्रहण कर सकता है। पानी का कोई आकार होता है, लेकिन ये किसी भी आकार में क्या हो सकता है? ढल सकता है। इसकी कोई आवाज नहीं, पर वाचाल हो उठता है। आवाज पानी का कोई आवाज है, लेकिन जब ये चाहता है तो हर आवाज निकालता है। जैसे आप नदी के कटाव सुने होंगे तो देखे होंगे कैसे आवाज निकलता है। तो इसका भयंकर वज्र निनाद दूर दूर तक गूंज उठता है। गतिहीन है, इसमें कोई गति नहीं है, पर गतिमान होने पर तीव्र वेग धारण करता है और उन्मत्त शक्ति और अपार ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। उसके शांत रूप को देखकर हम ध्यान अवस्थित हो जाते हैं, तो उग्र रूप को देखकर भयाक्रांत। यानी पानी जब शांत हो तो उसको काफी अच्छे से हम लोग देख कर आनंद उठाते हैं, लेकिन जब ये क्रोधित हो जाए तो इससे हम डर भी जाते हैं। जीवनदायिनी वर्षा के रूप में वरदान बनकर आता है। पानी क्या है कि बारिश होगा तो हमारे लिए जीवनदायिनी है, फसल अच्छे होंगे, लेकिन यही पानी विनाशकारी बाढ़ का रूप धारण कर जल तांडव भी करता है। लेकिन जब ज्यादा बरस जाए तो देख रहे हैं ना, चारों तरफ बाढ़ का भी दृश्य बना देता है। अजीब है यह पानी, कौन कहते हैं ये सारा बात? अमृतलाल वेगड़। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।